तो माय डियर फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग वेल। हम आज क्लास ट्वेल्थ के मैट्रिक्स टॉपिक के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं और सीखने वाले हैं कि व्हाट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली यू शुड नो कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैट्रिक्स में, ये इनवर्स निकालने के लिए है, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए, टू फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं? और ये दो टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन और दूसरा होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमें अगर दिया नहीं जाएगा कि किससे निकालना है तो हम दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी तक यूजुअली देते नहीं है कि रो ट्रांसफॉर्मेशन से निकालना है कि कॉलम से निकालना है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस रो से करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस कॉलम से करेंगे। तो पहले रो ट्रांसफॉर्मेशन से जैसे हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन इफ ए इज इक्वल टू, मैं बुक का ही क्वेश्चन लेता हूं, पहला बुक का क्वेश्चन है ए इक्वल टू 1 - 1 - 2 - 3। बुक ये एनसीईआरटी है क्लास 12th की, ए इज इक्वल टू 1 - 1 - 2 - 3, ये हमारे पास ए है और हमें ए इनवर्स निकालना है। तो इसमें केवल आपको ये मेंशन है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से करना है, तो हम इसे रो ट्रांसफॉर्मेशन से करते हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन से, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन से सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए, और कॉलम में लिखना होता है तो कॉलम के लिए लिखना पड़ता है ए इज इक्वल टू ए आई, ए आई। एंड व्हाट इज आई? आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। आई क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। अभी हमारा क्वेश्चन किस ऑर्डर का है? क्वेश्चन हमारा 2x2 ऑर्डर का है। तो ए की वैल्यू है 1 - 1 - 2 - 3। ब्रैकेट आप स्क्वायर वाला भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं। आई आपको इसके अकॉर्डिंगली लेना है 1 - 0 - 0 - 1। यहां ए बार बार लिखना है आपको, लेकिन ए की वैल्यू नहीं लिखना। अब देखिए आप आगे कैसे बढ़ेंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा प्रोसीजर बताता हूं, अगर आप इसको ध्यान रख लेंगे तो आपको इनवर्स निकालने में सबसे आसानी होगी। सबसे पहले आप इस एलिमेंट को 1 बनाइए, इस फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाइए सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में इसको आप 1 बनाइए, और फिर आखिरी स्टेप में, फोर्थ स्टेप में इसको 0 बनाइए। अगर ये प्रोसीजर आपने फॉलो किया तो फिर आप जीत गए। तो देखिए आप सबसे पहले यहां 1 बनाना है, यहां ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो 1 बनाने के लिए यहां पे कोई दिक्कत की बात नहीं, इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है। तो हमें लिखना पड़ेगा, रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, रो नंबर 2 में इन R2 - 2 × R1। कोई भी ऑपरेशन लगाना होगा तो रो नंबर दिस में से रो नंबर दैट माइनस की रो नंबर दिस में से वो नंबर मल्टीप्लाई करके रो नंबर 2 को ऐड किया, या रो नंबर 2 में से रो नंबर 1 माइनस की, या 3 की, या 4 की, जिस ऑर्डर का है। जैसे इसमें दो ऑर्डर का है तो दो रो चलेगी केवल। अभी आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस किया, तो पहले में नो चेंज, सेकेंड में चेंज, ये 1 - 0 a, इसमें क्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दे 0, 2 से मल्टीप्लाई करें इसको माइनस 1 को, तो ये जाएगा 3 - ये R2 की जगह 3 आ गया, यहां लिख सकते हैं 3 - 2 × -1, तो -(-) + 3 + 2 = 5। यहां भी सेम ऑपरेशन, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें -2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 में से 0 माइनस किया, नो चेंज। ये पेंसिल से करते रहे तो आपको मिटाने में भी आसानी होगी। अब आपको मैंने थर्ड स्टेप बताई है, यहां 0 बन गया, अब इसको बनाना है आपको 1, तो इसको 1 बनाने के लिए आप इससे बनाएंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो ये बिगड़ जाएगा क्योंकि ये 0 हो चुका है। तो इसको 1 बनाने के लिए एक अच्छी तरकीब है कि इसको डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड करोगे? रो नंबर टू शुड बी डिवाइडेड बाय 5। किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, पर आप सोचे कि रो नंबर 2 को मैं रो नंबर 1 से डिवाइड कर दूं, तो नहीं, नॉट पॉसिबल।
तो रो नंबर टू को 5 से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस 1 नो चेंज, 10 ए, अब इसको 0 डिवाइडेड बाय 5 विल बी 0, 5 डिवाइडेड बाय 5 1, यहाँ माइनस 2 बाय 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 बाय 5। अब आखिरी ऑपरेशन मैंने आपको बताया कि इसकी हेल्प से इसको 0 बना लो, तो इसकी हेल्प से इसको 0 बनाओ। अब आप इसकी हेल्प से इसको अगर 0 बनाएंगे तो ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे आप, इन R1 प्लस R2, R1 में R2 को ऐड कर दो, तो R1 में R2 ऐड करो, तो ये 1 प्लस 0 1 नो चेंज, माइनस 1 प्लस 1 0, इधर देखो 1 में माइनस 2 बाय 5 ऐड कर दो तो 3 बाय 5 हो जाएगा, 0 में 1 बाय 5 ऐड कर दो तो 1 बाय 5 हो गया, ए सेकेंड वाली में नो चेंज 0 1 माइनस 2 बाय 5 1 बाय 5। अब आखिरी में फिर लिखना है आपको, वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, लेट अस सी, वी नो दैट आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए। अब आई कौन है, ये आई हो गया आपका, ये ए हो गया, तो स्वाभाविक है नेचुरली दिस इज व्हाट ए इनवर्स, देयरफॉर ए इनवर्स इज 3 बाय 5 1 बाय 5 माइनस 2 बाय 5 1 बाय 5। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड ए इनवर्स। एक क्वेश्चन में आपके साथ और शेयर करता हूं, देखें आप, फिर हम 3 बाय 3 का भी करेंगे और 99% केसेस में ए इनवर्स जो होता है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकालते हैं, लेकिन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको आना जरूर चाहिए, ऐसा नहीं कि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन आपको आए ही नहीं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको होना आना चाहिए। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है जिसके एलिमेंट्स है 2, 3, 5, 7, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसमें सबसे पहले कॉर्नर में आपको 1 बनाना है, कैसे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, वी नो दैट ए इज इक्वल टू आई ए, ए इज इक्वल टू आई ए, यहाँ ए का वैल्यू लिख देंगे 2, 3, 5, 7, यहाँ पे आई का वैल्यू लिख देंगे 1, 0, 0, 1 ए, फिर आप प्रोसेस चालू करते हैं, कैसे प्रोसेस चालू करते हैं, यहाँ 1 बनाते हैं, यहाँ 1 बनाने के लिए थोड़ी मुश्किल है, तो आप इनको इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा ये 5, 7, 2, 3, रो इंटरचेंज भी कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्टीज धीरे धीरे देखते देखते सी समझ में आएगी, और करते करते R1 और R2 इंटरचेंज कर दिए, इंटरचेंजिंग R1 एंड R2, रो इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके माइनस कर सकते हैं और किसी रो में को किसी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। फिर से एक बार, टू रोज कैन बी इंटरचेंज्ड, एनी रो कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड विद एनी रो कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड बाय एनी रो, तो कोई भी रो दूसरी रो के साथ ऐड हो सकती है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है, किसी से मल्टीप्लाई कर दें और उस दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट करके दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं और रो इंटरचेंज कर सकते हैं, एंड एनी रो कैन बी डिवाइडेड बाय अ नंबर नॉट बाय अ रो, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, टू रोज कैन बी इंटरचेंज्ड, नंबर 1, एनी रो कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड बाय एनी अदर रो, क्लियर, एनी रो कैन बी एडेड बाय अ रो आफ्टर मल्टीप्लाइंग अ नंबर और आफ्टर डिवाइडिंग अ नंबर, एंड द लास्ट इज एनी रो कैन बी डिवाइडेड बाय अ नंबर बट नॉट बाय अ रो, एनी रो कैन बी डिवाइडेड बाय अ नंबर, सो हियर वी आर चेंजिंग इंटरचेंजिंग दीज टू रोज, तो इनको इंटरचेंज कर दिया। अब इसको 1 बनाने के लिए R1 में एक ऑपरेशन है, R1 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें, इसमें नो चेंज इसी में आएगा जो ये लिखी हुई है फर्स्ट में, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 1, 2 से मल्टीप्लाई 2, 3, 6, 1, सेम ऑपरेशन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, अब इससे इसको 0 बना लो, तो R2 में
आर टू माइनस टू आर वन, इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो ये जीरो हो गया, इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे वन हो गया। यहाँ भी सेम ऑपरेशन लगाना है आपको, टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये फाइव हो जाएगा, टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे ये हो गया। अब आपको आखिरी में क्या बनाना है, इससे इसको जीरो बनाना, तो रो नंबर वन शुड बी सब्ट्रैक्टेड बाय रो नंबर टू, तो ये वाला ऑपरेशन लगा दें आर वन में आर वन माइनस आर टू, तो ये हो जाएगा वन माइनस जीरो वन, वन माइनस वन जीरो, जीरो वन, यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू वन, ओ सॉरी इसमें भी चेंज होगा, माइनस टू और में से फाइव गया तो माइनस सेवन, वन माइनस माइनस टू थ्री, फाइव माइनस टू एट, ये आपके पास इसका इन्वर्स आ गया। व्हाट इज इन्वर्स, दिस इज ए इन्वर्स, ये जो आंसर लिखा है ये ए इन्वर्स है। अब अगर आपके पास कोई रो कोई क्वेश्चन ऐसा है, क्वेश्चन नंबर थ्री जो हम ले रहे हैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ए इज इक्वल टू टू वन फोर टू, तो आप क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू, आइए आइए आई को क्या लिखोगे, वन जीरो जीरो वन ए, अब इससे इसको टू से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो अगर, तो आर टू माइनस टू आर वन, तो ये हो जाएगा टू वन वन जीरो ए, टू से मल्टीप्लाई करके माइनस की जीरो, यहां भी किया चेंज तो ये माइनस टू और ये वन, अब ये दोनों जीरो हो गए, तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अब आप इसमें वन ऐड कर दो। एनी नंबर कैनॉट बी एडेड, एनी नंबर डायरेक्टली कैनॉट बी एडेड टू एनी रो, रो कैन बी एडेड टू एनी अदर रो, क्लियर, बट नंबर कैनॉट बी एडेड। अगर हम सोच रहे हैं इफ वी आर थिंकिंग दैट वन कैन बी एडेड टू दिस एलिमेंट, वन इसमें कर दें वन इसमें कर दें, तो इट इज नॉट पॉसिबल, या वन पूरी रो में ऐड कर दें, इवन इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ आप चाहो तो इस वाली रो को इसमें ऐड कर सकते हो, तो इस वाली रो को इसमें ऐड करने से कोई फायदा नहीं होगा, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। तो व्हेन विल इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, व्हेन एवर एनी ऑफ द रोज और एनी ऑफ द कॉलम्स, एनी ऑफ द रोज और एनी ऑफ द कॉलम्स कंप्लीटली जीरो है तो इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये आप ध्यान रखना। अब मैं आपको एक थ्री बाय एक इसी केस को क्वेश्चन नंबर टू को यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से बताता हूं आपको, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी आप समझे कि टू बाय टू में हाउ इज इट यूज्ड, क्वेश्चन विल रिमेन सेम। क्या क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड ए इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, तो आप चाहो तो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ चाहो तो कॉलम लगाओ। कॉलम में आपको लिखने का तरीका ए इज इक्वल टू ए आई रहेगा, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे टू थ्री फाइव सेवन, यहाँ पर ए विल रिमेन है, ए को ए लिखो कोई दिक्कत नहीं, वन जीरो जीरो वन, इसका प्रोफार्मा समझ लो फॉर्मेट, सबसे पहले यहाँ वन बनाना है फर्स्ट स्टेप, इस वन की हेल्प से इसको जीरो बनाना, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप इसको वन बनाना है, फोर्थ स्टेप इसको जीरो बनाना है, तो सबसे पहले इसको वन बनाना है, तो इसको वन बनाने का वही तरीका, या तो टू से डिवाइड कर दो, वन माइनस नहीं कर सकते, इट इज वेरी क्लियर टू यू, या फिर वही जो है इंटरचेंज करो, तो इनको इनको नहीं कर सकते, अब आप इनको इनको कर सकते हो, तो अगर मैं इसको इसको इंटरचेंज करूं तो इंटरचेंजिंग सी वन एंड सी टू, और लिखने का तरीका ऐसा है सी वन डबल इम्प्लीकेशन साइन इंटरचेंजिंग सी वन एंड सी टू, तो ये आ जाएगा आपके पास थ्री सेवन टू फाइव, ए जो काम यहाँ किया वही काम यहाँ पे भी करना है आपको, जीरो वन वन जीरो, सिंपल है, बस थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसको वन बनाना है तो सी वन माइनस सी टू, और केवल कॉलम कॉलम चलेंगे, रो ऑपरेशन बीच में नहीं लाएंगे, जब रो लगेगा तो रो रो लगेगा, जब कॉलम लगेगा तो कॉलम कॉलम लगेगा, तो इसमें से इसको माइनस कर दिया वन, इसको कर दिया तो टू टू फाइव ए, इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस वन, वन माइनस जीरो वन वन जीरो, और आंसर में नो चेंज, आंसर वही रहेगा चाहे किसी से भी करेंगे हम,
अब हमारा अगला ऑपरेशन ऐसा लगाना है कि इससे इसको जीरो बना ले, क्यों उसमें लिखा है देखो आप, तो अगला ऑपरेशन क्या लिखेंगे हम, अगला ऑपरेशन लिखेंगे C2 में C2 माइनस 2C1, कॉलम नंबर 2 में ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं, तो 1 2 नो चेंज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दें 0, उसमें कर देंगे तो 1, A माइनस 1 1 नो चेंज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2, जब इसमें माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, उसमें 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 2 और 0 माइनस दिस तो माइनस 2। अब देखिए यहां पर इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाना है, तो इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, कैसे बनाएंगे तो C1 माइनस 2C2, ये किस में लगाना है आपको ऑपरेशन C1 में, तो 2 इंटू दिस 0 और 1 में से माइनस किया नो चेंज, 2 इंटू 1 2, 2 में से 2 माइनस किया 0, अभी आ गया A, सेम ऑपरेशन यहां 2 से मल्टीप्लाई करो 3 को और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो 2 3 जा 6 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, 2 इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 4 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, अब ये आई हो गया ये ए हो गया और ये कौन होगा नेचुरली ए इनवर्स, तो व्हाट इज ए इनवर्स, ए इनवर्स इज माइनस 7 3 5 माइनस 2, पिछले को मैंने रब कर दिया पर आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा आपने 2x2 के क्वेश्चंस में रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन कैसे लगा सकते हैं। इससे पहले मैंने मैट्रिक्स का एक वीडियो भी बनाया है जिसमें बेसिक्स ऑफ मैट्राइसेस दिए हुए हैं, बेसिक डेफिनेशन बेसिक टर्म्स, यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज लेट मी नो, डोंट हेजिटेट नेवर हेजिटेट इन राइटिंग टू मी, यू कैन राइट इन कॉमेंट बॉक्स, If you wish to WhatsApp me, then it is my number 9685698056. मैं हूँ डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी एंड आई डिड माई PhD डॉक्टरेट इन मैथमेटिक्स, सो आई कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स, प्लीज लेट मी नो वट प्रॉब्लम्स यू हैव एंड डू राइट मी, प्लीज लाइक माई चैनल शेयर माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल, wish you all the best.